तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्गल नाम सुन एपिसोड 7 के प्रीव्यू के बारे में। अगर एपिसोड 5 और 6 की तुलना की जाए तो एपिसोड 6 काफी मजेदार था और एपिसोड 6 के एंड में हमने ये देखा कि रिवा ने नाम सुन को चाकू मार दिया था। तो क्या सच में नाम सुन को चाकू लगा होगा या नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 7 एपिसोड के प्रीव्यू में सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि गुमजू इस बार ऋषियों से मीटिंग करेगी। वो उससे कहेगी कि वो अपने पैसे बीडूगो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन इसके लिए ऋषियों को उसे उसके बिजनेस प्लान के बारे में सब कुछ बताना होगा। पर गुमजू ऋषियों को जितना डफर समझ रही है वो इतना डफर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऋषियों डुगो कंपनी के सारे सीक्रेट उसे बताएगा, पर हो सकता है कि ऋषियों उसे अपना पार्टनर बना ले और इस तरह ऋषियों गुमजू से सपोर्ट पाकर अपने बिजनेस को और भी बढ़ा सकता है। और वही गुमजू ऋषियों के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करेगी, क्या वो सच में ड्रग्स में इन्वॉल्व है या नहीं। रिव्यू में एक पार्टी का सीन भी दिखाया जाता है। ये पार्टी गुमजू अपने ही होटल में रखवाएगी, क्योंकि एपिसोड 6 में हमने देखा था कि नामिन उससे नाराज हो गया था। तो ये पार्टी वो नामिन और नामसुन के लिए रखवाएगी, नामिन को मनाने के लिए और नामसुन के वापस लौट आने की वजह से। इस पार्टी में हिशिक को भी बुलाया जाएगा और प्रीव्यू में देखते हैं कि उसे सवाल किया जाता है कि उसका नामसुन के साथ क्या रिश्ता है। और यहाँ पर हिशिक कहता है कि उसे उसके साथ की जरूरत है, पर मुझे लगता है कि वो अभी अपनी दिल की बात नहीं कह रहा है। उसके साथ होने का मतलब है कि उसे केस के लिए अभी उसकी मदद की जरूरत है। और इस पार्टी के दौरान नामसुन और हिशिक दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं, जिससे इनकी दोस्ती या प्यार आगे और भी बढ़ने वाली है। प्रीव्यू में देखते हैं कि तीन जने हिशिक को गाइड भी कर रहे थे कि अगर वो नामसुन के साथ रिश्ते में आता है तो क्या कंडीशन होगी। उसे बताया जाता है कि इनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए शादी के बाद लड़की का पैदा होना जरूरी है, नहीं तो शादी टिक नहीं सकती। और जब हिशिक ये सब जानकर परेशान हो रहा होगा तो दूसरी तरफ नामसुन अपनी माँ और नानी के साथ बहुत ही इंजॉय कर रही होगी। आगे प्रीव्यू में ये भी दिखाया गया है कि नामसुन को फंसाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मैनेजर को नामसुन के बारे में सब पता चल गया था कि वो रात को यहाँ पर आकर कुछ चुरा कर ले जाती है, यानी उसका मकसद कुछ और ही है। पर इसके बारे में नामसुन को अभी कुछ नहीं पता। और आगे जब ऋषियों नामसुन से मिलेगा तो वो उसे अपने साथ मिलकर काम करने को कहेगा, पर नामसुन का एक ही मकसद है, अगर वो उसके साथ काम करेगी तो वो उसके बारे में और ज्यादा जान पाएगी। जबकि हिशिक उसे इस रिस्क को लेने के लिए मना भी करेगा, पर नामसुन उसकी नहीं सुनेगी। पर इन सब के पीछे ऋषियों का सबसे बड़ा और एक मकसद है, वो है नामसुन के शक्तियों के बारे में जानना। एपिसोड 6 में हमने देखा था ऋषियों जो एंटीडोट लेता है वो लगभग खत्म हो चुकी है, तो उसे फिर से एंटीडोट की जरूरत पड़ेगी और हो सकता है कि वो नामसुन के पावर का यूज करे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि नामसुन को चाकू लगी थी या नहीं। प्रीव्यू को देखने से लगता है कि नामसुन को चाकू नहीं लगी थी, और लगी भी होगी तो थोड़ा बहुत लगा होगा। फिर हो सकता है कि रिवा जब उसे चाकू मारने आई थी तब नामसुन ने उस चाकू को पकड़ लिया होगा और वो चाकू टेढ़ी हो गई होगी, या फिर गलती से वो चाकू रिवा को भी लग सकती है, क्योंकि रिवा को पूरे प्रीव्यू में नहीं दिखाया जाता और वो डुगो कंपनी से भी फरार हो जाएगी। हो सकता है कि उसे चोट लगी हो और वो यहाँ से भाग गई हो। हो सकता है कि उसे चोट ना भी लगी हो तब भी वो फरार हो जाएगी, क्योंकि उसने नामसुन पर सबके सामने हमला किया था, तो अब उसके लिए डुगो कंपनी में काम करना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों एपिसोड 7 के प्रीव्यू में ये सब कुछ दिखाया गया है, लेकिन एपिसोड 7 में और भी बहुत कुछ होने वाला है। और दोस्तों एपिसोड 7 और 8 28 और 29 तारीख को रिलीज होगी, तब के लिए आप सभी को वेट करना होगा और मैं आपसे मिलूंगी इसके नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में।